गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक फ्रिक्शन, तो आज इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो केस डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, तो आज उससे नेक्स्ट जो केस है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। सो इसमें पहला केस है when angle of inclined plane is less than phi, जो हमारा plane है वो horizontal से एक angle बना रहा है alpha, और ये phi से कम है। phi क्या है? phi हमारा है angle of friction। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो body है वो अभी stable होती है। जैसे हमने पहले भी discuss किया था कि अगर प्लेन का इंक्लिनेशन फ्रिक्शन एंगल से कम है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, उसको मूव करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो पहले केस में जब हमारा अल्फा फाई से कम है तो हमें एक फोर्स चाहिए होगा। इफ बॉडी इज रिक्वायर्ड टू मूव, ए फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, चाहे हम उस बॉडी को ऊपर लेके जाए या प्लेन पर नीचे लेके जाए। दूसरा केस है व्हेन अल्फा इज मोर देन phi, जो हमारा अल्फा है, जो हमारे प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल है, वो अगर फ्रिक्शन एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारी बॉडी है वो इंक्लिनेशन प्लेन से नीचे स्लिप होना शुरू कर देती है। ऐसे केस में उसको रोकने के लिए या फिर उसको बॉडी को प्लेन पर ऊपर लेके जाने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये फर्दर तीन तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। पहला है जब हमारा फोर्स पी इंक्लिनेशन प्लेन के पैरेलल में लगता है। दूसरा केस है जब हमारा फोर्स पी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, और तीसरा केस है जब हमारा फोर्स पी जो हमारा इंक्लिनेशन प्लेन है उससे एक एंगल पे काम करता है। हमारे तीन केसेस हैं। पहला है व्हेन पी इज पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा है व्हेन पी इज हॉरिजॉन्टल टू इंक्लाइंड प्लेन, और तीसरा है व्हेन पी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द प्लेन। सो एक एक करके तीनों केसेस हम देखते हैं। सो द फर्स्ट केस इज व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अलोन द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज कि जो हमारी फोर्स है पी वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में काम कर रही है। ऐसे में हमारे पास में दो केसेस डेवलप होते हैं, एक जहां पे बॉडी ऊपर की तरफ में मूव कर रही है, दूसरा जहां पे बॉडी हमारी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। तो हम पहले कंसीडर करते हैं बॉडी एट अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप, मतलब ये जो बॉडी है हमारी ऊपर की तरफ स्लाइड होने वाली है। तो जैसा कि हम जानते हैं द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द मोशन, जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा मूवमेंट के हमेशा अपोज करेगी। तो बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड होने वाली है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। सो अब हम फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। सबसे पहले अलोंग द प्लेन, जो प्लेन के साथ हम इसको रिजोल्व करेंगे, तो हमारे प्लेन के साथ में जो फोर्सेस हैं, पहला है पी और दूसरा है एफ, और तीसरा कंपोनेंट होगा डब्ल्यू का, क्योंकि जो डब्ल्यू है वो प्लेन से हमारा इंक्लाइंड है, ये एंगल है अल्फा। तो हमारी इक्वेशन बनती है पी इक्वल टू डब्ल्यू का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ, जहां पे हम जानते हैं कि एफ क्या है, एफ इक्वल टू म्यू आर।
तो रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग द प्लेन, अलोंग द परपेंडिकुलर, सो हमारा जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस है उनको हम रिजॉल्व करेंगे. तो ऊपर में है R और उसको जो बैलेंस कर रहा है वो है हमारा कंपोनेंट W cos अल्फा. सो R इक्वल टू W cos अल्फा, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड. अब हम दोनों इक्वेशन से R की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रख सकते हैं क्योंकि F इक्वल टू म्यू R और R की वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन से मिल गई. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट P इक्वल टू W sin अल्फा, F की जगह आया म्यू R और R की जगह हमने लग दिया W cos अल्फा. तो हमारी इक्वेशन बन गई P इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू W cos अल्फा. हम जैसे जानते हैं म्यू इक्वल टू tan phi, तो tan phi हम लिख देंगे म्यू की जगह में. तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी P इक्वल टू W sin अल्फा प्लस tan phi cos अल्फा. अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी P cos phi, W यहां से कॉमन आ जाएगा, W sin अल्फा और cos phi प्लस जब tan phi को हम sin phi by cos phi लिख सकते हैं तो cos phi से cos phi कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा सिर्फ sin phi. तो sin phi into cos अल्फा, साइन अल्फा कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस अल्फा को हम साइन अल्फा प्लस फाइव लिख सकते हैं और ये वाला कॉस फाइव हमारा इधर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये हमारी पी जो हमारा एफर्ट है उसके लिए एक इक्वेशन मिल गई है व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग अप. तो हमारी इक्वेशन होगी पी एफर्ट इक्वल टू या फोर्स अप्लाइड इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव. तो अब हमारा दूसरा केस बनेगा जब हमारी ये बॉडी प्लेन से नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है. तो उस केस में डिफरेंस कहां पे आएगा, जैसे हमने बताया कि जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो जो हमारा फोर्स है जो अभी नीचे की तरफ लग रहा था दूसरे वाले केस में वो ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा. So, उस केस में जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी वो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा. W साइन अल्फा तो अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा लेकिन जो F है वो हमारा P की डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस F और दूसरी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी. दोनों इक्वेशन को जब हम फाइनली रिजोल्व करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी मिलेगी वो मिलेगी W साइन अल्फा, यहां पे माइनस आ जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव. आप चाहें तो इसको इसका जो सेकंड केस है उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा.